एक्सीडेंट हो गया यार, थोड़ी बहुत यहाँ लगी है। और कोई दिक्कत अगर आए तो हमको फोन। वेल, सुबह के 4:30 बज रही है और मुझे नींद नहीं आ रही है, तो सोऊंगा कब? गाड़ी भी चलानी है, 5-5.5 घंटे की ड्राइव है वहाँ की भी। हाय गाइस, ऑल पैकिंग डन, इट्स टाइम टू गो टू काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड हनुमान टेम्पल। बैग्स यहीं छोड़ के जाएंगे क्योंकि बैग्स आगे लेके जाएंगे रवि भैया को फ़ोन कर देते हैं, वो गाड़ी पे बैग पहुँचा देंगे। 2 घंटे हमें भी घूमने में लगेंगे। तो भाई यहाँ पे स्टे बहुत बढ़िया था, फैमिली इन्वायरमेंट सब कुछ, अंकल आंटी बेटा बच्चे मतलब बहुत सारे, तो सही रहा सब कुछ। अब रवि को ढूंढते हैं। और यहाँ की गलियाँ देखो भाई, रो रहा है गाड़ी में बैठ के, हम बोले पापा कहाँ गए थे ना। कहाँ है पापा? तुमको गाड़ी में बैठा दिया, चल जाएंगे। स्वीट, तो ये हमें ढूंढना है ऑटो, ऑटो से जाएंगे हम काशी विश्वनाथ आफ्टर हनुमान मंदिर। गलियां बहुत छोटी और भूल भुलैया जैसी गलियां हैं यहाँ पे, तो वो डोसा वाला मिला नहीं है मेरे को दोबारा, इसलिए समझ ही पा रहे होंगे गलियां देख के। ये काशी विश्वनाथ और वो किस साइड होगा? इधर पड़ेगी। और ऑटो, ऑटो कहाँ से मिलेगा? ऑटो ये मेन रोड मिल जाएगी मदनपुरा। तो ये बगल ही में ज्यादा दूर नहीं है काशी विश्वनाथ। और हनुमान मंदिर? हनुमान मंदिर तो आपको दस तो पहले हनुमान मंदिर जाना चाहिए ना। संकट मोचन, ओके, चाटे पकड़ेंगे निकल जाएगा। ऑटो कितनी आगे होगा यहाँ से मेन रोड? 5-10 मिनट ऑटो के लिए। दैट्स द गेट फॉर काशी विश्वनाथ टेम्पल द्वार, ये अलग से मार्केट। वही बहुत भीड़ है यहाँ पे, और अंदर बेल्ट फोन कुछ अलाउड नहीं है, कैमरा है ना। तो एक छोटा सा भाई हमारा हमें लेके जा रहे हैं, यही रखवाएगा अब चप्पल सामान। लेट्स सी, और बहुत भीड़ है और मार्केट बहुत बड़ी। तो यहाँ से अंदर कैमरा नहीं जाएगा, तो मैं कैमरा रख रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ, फिर बताता हूँ अंदर वाइब कैसी है, कैसा लगा अंदर दर्शन करके। और भैया लड़का तेज रखा हुआ आपने। सो आई हैव जस्ट बैक फ्रॉम द काशी विश्वनाथ टेम्पल, और दर्शन बहुत प्यारे हुए हैं, लेकिन यार कैश बिल्कुल ख़त्म हो गया जेब में से, तो मनी ट्रांसफ़र पे आया हूँ। यहाँ पे ट्रांसफ़र करा के कैश लूँगा थोड़ा सा, फिर निकलेंगे। यहाँ की मार्केट बहुत वाइड है, बहुत बड़ी है, तो इतना पता भी नहीं है, फर्स्ट टाइम आया हूँ और अकेला हूँ, तो कुछ आइडिया भी नहीं है। तो अभी ट्रांसफ़र करा के मनी वहाँ पर जाएंगे हनुमान मंदिर, फिर उसके बाद आगे गाड़ी की तरफ, फिर अयोध्या। तो तब तक के लिए बाय बाय। वही संकट मोचन हनुमान मंदिर, चलो चलो, संकट मोचन हनुमान मंदिर बंद है तो बाहर से ही दर्शन हो पाएंगे, लेकिन बाहर से दर्शन कर लेंगे। और उसके बाद दुर्गा मंदिर आएंगे, दुर्गा मंदिर भी वो खुला होगा तो वहाँ पे दर्शन हो जाएंगे। तो अभी भैया के साथ ऑटो पे बैठे हैं, ऑटो पे चलेंगे क्योंकि गाड़ी खड़ी है बहुत दूर, फिर गाड़ी के पास छोड़ देंगे भैया। बैग लेके रवि भैया पहुँच ही चुके हैं, फिर उसके बाद निकलना है ही अपने को।
तिरुपति स्थिति संकट मोचन हनुमान मंदिर अभी बंद है, 3 बजे के बाद खुलेगा और अभी 1 बज रही है और हमें आगे भी निकलना, 6 घंटे का आगे रास्ता है, जा नहीं पाएंगे, बाहर से दर्शन कर लेंगे। वेल दिस इज दुर्गा माता का मंदिर, ये भी बहुत पुराना मंदिर है। हाँ बोलो। Well, the experience of Durga Mata was very beautiful. माता के मुंह पे जो चमक है भाई यार, इतनी प्यारी चमक, इतनी प्यारी मुस्कान, मैंने आज तक किसी मूर्ति पे ऐसी मुस्कान नहीं देखी जो माता की मूर्ति पे थी। वाह यार, जरूर आना। चलो भैया चलें। तो भाई अब निकलेंगे अपनी गाड़ी की तरफ, फिर निकलेंगे अयोध्या, लेट्स गो। तो भाई चलते चलते वी हैव जस्ट इनकाउंटर बड़े सारे यार तोते, ऐसे भैया ने पकड़ रखे हैं और ये बेच रहे हैं। तो आई वॉज थिंकिंग इन्हें खरीद के छोड़ दिया जाए, तो मैं 2 तोते लेके इन्हें ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो भैया भाई इसको उड़ाते हैं, आराम से आराम से छोड़ दो, कोई बात नहीं। हाँ मेरा टाइम भी आ गया बेटा, उड़ जा उड़ जा उड़ जा। नाइस वन। तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा, तोते उड़ा के, लवली यार। बंद रखना भी नहीं चाहिए इन्हें, ओपन ही रहने चाहिए। बाकी उसके बाद 6-7 थे लेकिन मैंने 2 ही उड़ाए हैं, थोड़े से कॉस्टली भी दे रहा था वो, लेकिन कोई बात नहीं, जितना अपने से बना अपन ने उतना तो कर ही दिया। बहुत प्यारा लग रहा है लिटरली। तो अभी भी पार्किंग में पहुँचा हूँ, बहुत भी पार्किंग से गाड़ी निकालने में भी बहुत टाइम लगेगा, सारी बाइक्स वगैरह खड़ी हैं आगे, कभी सारी हटेंगी तो अपनी निकलेगी। और गाड़ी चाबी मेरे पास रह गई थी, वरना भैया पहले ही निकलवा देते, 2 दिन से भैया भी परेशान हो रहे हैं मेरी गाड़ी की वजह से, कोई गाड़ी निकलवा नहीं पा रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया भैया गलती से रह गई थी। तो बस अब गाड़ी निकलते ही अपना निकलेंगे अयोध्या की ओर, यहाँ से सिर्फ राइड लेना है और कह रहे हैं सारा हाईवे, तो हाईवे से ही जाएंगे। चलो वाया जौनपुर होके जाएंगे, और बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा ही यार, एक यू टर्न लेने में 20 मिनट लग गई है। मैं आपको बताना भूल गया, कल योगी जी भी आए थे, मानपूर्णा जो 108 साल पहले बनारस से गायब हुई थी, मतलब चोरी हुई थी जिनकी मूर्ति, वो कनाडा में मिली थी, तो कल ही योगीनाथ जी ने खुद ही स्थापित कराई, और मैं काशी विश्वनाथ जी के जो टेम्पल में गया था वहां पे ही अन्नपूर्णा माता की वो मतलब मूर्ति स्थापित थी। तो कल मेरे को पता नहीं था, वरना मैं खुद वहाँ पे जाके पहुँच के आदित्य योगीनाथ जी के वीडियो बनाता वहाँ से लाते हुए उनकी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन माता अन्नपूर्णा 108 साल बाद घर आई हैं, हमें तो पता ही नहीं है कैसे हुआ भी था, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यार, अभी तक मैं बनारस से बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन बनारस का एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि अब बनारस से जा रहे हैं, तो बनारस बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी वाइब है, आरती और बोट राइड जैसे कि आप सबने वीडियो में देख ही लिया होगा, मतलब बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। और गलियाँ इतनी छोटी छोटी गलियाँ, इतना मतलब घूम ही हो जाते हैं, और इतनी बड़ी मार्केट है, आप 3-4 दिन में भी नहीं घूम सकते मतलब पूरा बनारस। तो मेरे पास तो 1-2 दिन ही थे, तो जितना मैं घूम पाया, ट्रैवल कर पाया, उतना मैंने आपको दिखा दिया। आगे आपको पता ही, अयोध्या जा रहे हैं तो अयोध्या में भी अभी कुछ नहीं पता है। एक्चुअली कोई लोकल बंदा होता है तो थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर हो पाता है, और अकेले तो वैसे ही कुछ नहीं पता होता है, बस जहाँ चले गए चले गए,
कोई बात नहीं, कर रहे हैं ट्राई। वही ऐसा लग रहा है जैसे रेस ट्रैक पे गाड़ी चल रही हो, वही है ही नहीं। और इतने तगड़े तगड़े मोड आते हैं, मतलब एकदम से घूम जाती है रोड। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस चल रहा है अभी तक ड्राइविंग का। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अभी तो इसका टोल शुरू नहीं हुआ, बस अभी इन प्रोग्रेस भी है। हाईवे से कट गलत हो गया था यार, जाम के पीछे पीछे तो पता नहीं गूगल ने कहाँ निकाला, अंदर गांव में से जौनपुर के पास से। भाई खतरनाक जौनपुर है हमारा, मिर्जापुर वाला। लेकिन बहुत बढ़िया है, खड्डे भी है थोड़े बहुत, लेकिन फील्ड्स ओपन है तो ओपन ओपन लग रही थी देर से। बड़ी ट्रैफिक में मैं क्या बताऊं, दो बार रेलवे रोड आई है, बीच में क्रॉसिंग आई है रेलवे, और वही आधा आधा पौना पौना घंटे का जाम, दो बार फंस गया उसमें। अब जाके थोड़ा सा ओपन ऐसा आई है तो सही लग रहा है। एंड वन मोर रेलवे क्रॉसिंग, चेक करो भाई ये भीड़ भीड़ भाई। फिर से भाई अभी पता नहीं ट्रेन कितनी देर में आएगी और कितनी देर और खड़ा होना पड़ेगा। और अभी भी यहाँ से 3.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, तो मतलब 8 बजे तक अभी भी दिखा रहा है। और आगे भी नहीं पता रास्ता कैसा होगा। अकेले ड्राइव में रहते हैं यार, ज़्यादा जगह रोक नहीं सकते आप, हर जगह खड़े नहीं हो सकते। पता नहीं कैसे माहौल है, क्या है, पता भी नहीं आगे बारे में कुछ भी। चलो कोई नहीं, करते इंतज़ार, निकलना तो है ही, जाना तो है। देर से सोच रहा हूँ कि बताऊँ आपको कि यहाँ के हाईवे बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट एज इन हाईवे पे हम लेफ्ट साइड चलते हैं और वो राइट साइड चलते हैं ना भाई, आने वाले जाने वाले लेफ्ट साइड। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों साइड अपने अपने बंदे चल रहे हैं। जिसको उधर चलना है राइट में वहाँ चलो, जिसको यहाँ लेफ्ट में चलना है देखो, जैसे ही आ गया टेम्पो। वहाँ पे भी ऐसे ही है, वहाँ पे भी रॉन्ग साइड चलाने लग जाते हैं, अपोजिट साइड। 500 meters, continue straight. रास्ता बहुत ज्यादा लंबा है और अकेले अकेले मैं थोड़ा थोड़ा बोर हो जाता हूँ बीच बीच में। अबे बात नहीं भाई साहब, कहाँ ब्रेक मार रहे हो? अभी अभी खड़ी ब्रेक मार दी, अरे साथ में। Continue straight. अब हम भी उल्टी साइड चल रहे हैं देखो। खतरनाक सिस्टम है। और उस साइड वाले उस साइड चल ही रहे हैं, तो यही भाई यही है यूपी। और यहाँ पे आप कहीं पे भी रह सकते हो, कहीं पे भी चल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपको आजादी है। अब हम अपनी साइड आए तो ये हमारी साइड आ गई। चलता रहेगा भाई ये सब यहाँ पे। तो अब बारी आ जाती है अयोध्या की। बनारस से अयोध्या चले गए, अब अयोध्या के रास्ते में एक पुलिस इंस्पेक्टर को लिफ्ट दे दी, लिफ्ट दे दी, उसके बाद उनको ड्रॉप भी कर दिया। ड्रॉप करने के बाद मैं अपना रास्ते पे गया, अयोध्या से सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर पहले मेरा हो जाता है एक्सीडेंट। चेक करना वीडियो में, पता लगेगा क्या होता है। मतलब मैंने उसकी वीडियो एज इन नहीं बनाई है, लेकिन हाँ गाड़ी पे लगी है भाई। और यार गलती भी मेरी नहीं थी, क्या होता है ना, अब एक स्लोप है, स्लोप पे से ऐसे ऊपर गाड़ी चढ़ानी है तो चढ़ाने के लिए थोड़ी सी रेस देनी पड़ेगी। अब मैं लेके आ रहा हूँ ऐसे, और वो बाइक वाले ने ऐसे आगे घुसा दी ऐसे, अब वो ऐसे लगी। अब होता क्या है, लगती तो किसी को नहीं है, चोट नहीं लगी, कुछ नहीं लगा, बेस्ट थिंग वॉज चोट नहीं लगी किसी को यार। बट अब क्या हुआ, मेरी गाड़ी थी बाहर की गाड़ी की देख के वो तो लड़ने लग गए यार। एक बंदा मेरा गाड़ी का शीशा तोड़ रहा है, मैं तोड़ दूंगा, मैं तोड़ दूंगा। और उस बंदे ने 2-3 बार हाथ भी मारा और कह रहा है इस बार टूट जाएगा भाई। तो बड़ी देर तक यार समझाया बोला, वो भाई छोटे छोटे से मेरे कंधे तक भी नहीं आ रहे होंगे और मेरे से लड़ रहे हैं, अकड़ रहे हैं, बाहर की गाड़ी है इसलिए सिर्फ कह रहा तू चुप रहे, तू चुप रहे। तो तब मेरे को यार बहुत बहुत बेकार लगा था कि भाई मैं अकेले ड्राइव कर रहा हूँ, अकेला घूम रहा हूँ और लोग ऐसे कर रहे हैं यार।
तो मेरी ट्रिप पे सबसे बैड मोमेंट था, मेरे को रियलाइज हुआ था। और वो जिनको इंस्पेक्टर को मैंने लिफ्ट दी थी, उन्होंने मेरे को अपना नंबर भी दिया था, एट द टाइम मैं भूल गया वरना मैं उनको कॉल करता और फिर उनकी वार्ड लग जाती। वो एक्चुअली इंस्पेक्टर है प्रयागराज में, लेकिन वहाँ पे उनके अयोध्या के आसपास पोस्टिंग हुई है तो बहुत काम आ सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, हम एक दो भले आदमी आए और अपने को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा अयोध्या, कह रहे हैं आप जाओ हम देख लेंगे। बस अच्छे लोग मिल जाते हैं, आपकी हेल्प कर देते हैं, तो बेस्ट थिंग मेरे को यही लगती है, यूनिवर्स की कुदरत आपकी मदद कर रहा है कैसे भी कहीं से भी कुछ भी करके। तो फिर मैं चला गया वहां से अपना अयोध्या। 72 किलोमीटर भाई रह गया, टाइम दिखा रहा है 7:36 और भूख लग रही थी तो यार रास्ते में रोक लिया, बर्गर खाऊंगा। और बहुत अंधेरा हो गया यार, रास्ता समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। मैं चाहता हूँ जल्दी से रास्ता खत्म हो, और पौने दो घंटे दिखा रहे 72 किलोमीटर के। चलो पहुँचते हैं भाई। बस मैं वीडियोस बनाता हूँ, व्लॉग्स आप देखते हो यूट्यूब पे? हाँ देखते। तो YouTube पे मैंने स्टार्ट किया बनाना, तो बस ऐसे ही निकले रोड ट्रिप पे घूमते फिरते अकेले। कोई बात नहीं अंकल जी, आप जी। बस चलो नमस्ते आशीर्वाद दो हमें तो बस। राकेश तिवारी अपना नाम है जी, और प्रयागराज के रहने वाले हैं, पोस्टिंग यहाँ है बिल्कुल कोतवाली बीघा। ये तहसील है, बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन अब वो व्यवस्था नहीं है। नहीं अभी मैं आपकी वो व्यवस्था यही करता नहीं, आप नहीं करें। बस बस आपने हाँ। कह दिया बहुत। अच्छा भाई चलो ठीक है अंकल नमस्ते। और कोई दिक्कत अगर आए तो हमको फोन कर लीजिएगा, नंबर ले लीजिए। चलो नंबर दे दो आप ना, क्योंकि हूँ थोड़ा टाइम यहाँ पे, नंबर सही रहेगा। मान लीजिए कहीं दिक्कत आ रही है आप हमसे तो जी अंकल जी। एक्सीडेंट हो गया यार, मतलब ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं, मैं ऊपर चला रहा था, गाड़ी चढ़ा रहा था ऊपर, मतलब साइड से एक बाइक वाला आया और वो मेरे पे ही वो हो गया, चढ़ गया, क्योंकि मेरी गाड़ी बाहर की है। तो 10-15 मिनट ऐसे ही मेरा शीशा, गाड़ी का शीशा तोड़ने पे हो गया था वो बंदा। फिर आसपास के लोग आ गए तो मैं निकल गया वहाँ से। अभी मैंने गाड़ी भी नहीं देखी है कि गाड़ी पे कितना लगा है, उसकी बाइक पे भी कुछ नहीं, जरा सा लगा हुआ है बेफालतू का, बाहर का आदमी देख के वो कर रहे थे, परेशान करने की कोशिश है। तो एक समझदार आदमी ने आया, कह रहा है कहाँ जाना है आपको, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे जाना है, कह रहा है आप जाओ हम देख लेंगे, तो ऐसे जाने दिया। फिर मतलब बाहर के आदमियों क्यों परेशान करते हो भाई, और कोई जान मूझ के नहीं ठोकता, और गलती उसी की थी बाइक वाले की। सीधा मैं नीचे थे ऐसे करके रैम्प से ऊपर लेके जा रहा हूँ, रैम्प से ऊपर लेके जा रहा हूँ, उन्हें बाइक आगे ले दी। अब रैम्प से ऊपर बंदा लेगा तो थोड़ी उठा के ही तो लेगा गाड़ी को, वो बेफालतू में लड़ने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी बहुत यहाँ लगी है, बाकी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। नंबर बचकी बाकी यही है। चलो बाकी यार वो परेशान कर रहा था ज्यादा ना, चलो होटल देख रहा हूँ, बस लगी नहीं है गाड़ी को, सही है बच गए भाई।